नमस्कार दोस्तों, मेरे ही चैनल के ऊपर कई बार कमेंट किया जाता है कि सर हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं उसमें हमें करंट लगता है, मतलब फ्रिज के डोर को हाथ लगाते हैं तब शॉक लगता है, वॉशिंग मशीन के दरवाजे से करंट लगता है, ओवन को हम छूते हैं तो वहाँ करंट लगता है, या फिर जो हमारा एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है जब मेटल बॉडी को हम टच करते हैं तो करंट का आभास जो है वो होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो भी होम अप्लायंसेस होते हैं कोई भी रहे उसमें करंट क्यों आता है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि ये जो करंट वाला जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गाइज मेरे पास में ये LG का फ्रिज है। ये फ्रिज इतना भी पुराना नहीं है, अभी अभी मैंने रिसेंटली इसको परचेज किया था। इसका रिव्यू और बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में क्या है, मेरे पास में है एक टेस्टर, तो टेस्ट लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो है एक मेटल पार्ट है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और आप देखिए गाइस टेस्टर के ऊपर बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें करंट आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर कोई हाथ लगाता है या कोई छोटा बच्चा भी इसे टच करता है तो डेंजरस सिचुएशन जो है हो सकती है। पीछे भी मेटल की बॉडी होती है और आप देखिए यहाँ पे इस फ्रिज के अंदर करंट जो है वो आ रहा है। मतलब इस फ्रिज के जो भी मेटालिक पार्ट हैं अगर कोई छू लेता है तो यहाँ पे जो है दुर्घटना हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे गाइस जो फ्रिज का जो स्विच बोर्ड है, देखिए जहाँ पे हमने हमारा जो भी होम अप्लायंस है, अभी फ़िलहाल फ्रिज की हम बात कर रहे हैं, आप किसी भी अप्लायंस के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरी इज़ द सेम। तो जो भी हमारा स्विच बोर्ड रहेगा गाइस, मैं फ्लैश लगा लेता हूँ, तो जो भी स्विच बोर्ड है वो ध्यान रखिए कि हमारा 3 पिन वाला रहे, ठीक है। और ये जो 3 पिन है ये सिर्फ दिखने के लिए 3 पिन नहीं होनी चाहिए, जो इसका अर्थिंग का जो पॉइंट है वो बाकायदा जाके हमारे अर्थिंग पिट में जाके कनेक्ट होना चाहिए। और आप अगर सीखना चाहते हैं कि हमारे घर पे जो अर्थिंग है हमारे बोर्ड में वो सही है या नहीं है, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके वो जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो आपके होम अप्लायंस के लिए कभी भी 2 पिन वाले बोर्ड का यूज़ ना करें, और जो एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं एक्सटेंशन बोर्ड का भी यूज़ ना करें, क्योंकि कई बार जो एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं उसमें दिखने के लिए तो 3 पिन होता है लेकिन अंदर से 2 पिन ही होता है, मतलब अर्थ का वायर उसमें नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपका जो भी होम अप्लायंस है गाइज उसके लिए आप अर्थिंग जो है अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कीजिए, अच्छे क्वालिटी का अर्थ आपके पास में होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे हम प्रॉब्लम बात कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है, खास करके अगर कोई नौसिखिया वायरमैन आपके घर पे काम करता है तो देखिए क्या होता है। ये देखिए ऑन करके रखा है मैंने और इसको हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं है, ओके इधर कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन इस साइड ये देखिए यहाँ पे जो है ये फेज़ आ रहा है, मतलब जो इसका वायरिंग है जो पोलैरिटी है वो उल्टी हो चुकी है। देखिए क्योंकि जो प्लग होता है उसके राइट साइड में फेज़ आना चाहिए। देखिए मैं आपको और एक बार बताता हूँ, ये हमारा एक नॉर्मल सा प्लग है, इसको ऑन कर लेते हैं और फ्लैश बंद कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए ये मैंने टेस्टर लिया और ये मैंने लगाया राइट साइड में, देखिए यहाँ पर ये देखिए। तो राइट साइड का जो टर्मिनल होता है हमारे इंडियन प्लग का उसके अंदर फेज़ आना चाहिए, मतलब ये वायरिंग सही है। देखिए ऊपर नीचे दोनों साइड में फेज़ आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर राइट साइड छोड़ के कहीं और फेज़ आ रहा है, जैसे अर्थ में फेज़ मिक्स हो जाता है, कई बार चूहे वगैरह तार काट देते हैं या और कोई प्रॉब्लम होता है वायरिंग में, अगर यहाँ पे फेज़ आ रहा है तो भी शॉक लगेगा, अगर यहाँ पे फेज़ आ रहा है तो भी गलत बात है। तो फेज़ जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ राइट साइड, देखिए हमारा जो प्लग होता है उसके राइट साइड में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जो फेज़ है उसकी वायरिंग यहाँ पे उल्टी कर दी गई है, तो लेफ़्ट साइड में फेज़ आ रहा है। तो अभी इसको मैं खोल के जो है ठीक कर लेता हूँ। ठीक करना वैसे तो आसान होता है, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप किसी अच्छे वायरमैन से जो वायरिंग है उसको आप ठीक करवाइए। ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप जाके उसको बता सकते हैं कि सर इस तरह से आप जो फेज़ है प्रॉपरली राइट साइड में लगाइए, और जो स्विच होता है हमारा वो भी इस राइट साइड वाले जो फेज़ है उसमें ही होता है। कई बार ये भी गलतियां करते हैं लोग कि जो स्विच है वो न्यूट्रल पे दे देते हैं और हमारा फेज़ जो है वो चालू रहता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है। इसको ठीक कर लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं।
दोस्तों जो बोर्ड है वो मैंने ठीक कर लिया है, मतलब यहाँ पे जो फेज़ और न्यूट्रल की जो पोलैरिटी थी उसको मैंने सही कर लिया है। आइए एक टेस्ट लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा था पिछली बार कि जो करंट है वो यहाँ पे आ रहा था न्यूट्रल में। देखिए तो ये जो करंट है ये ख़त्म हो चुका है और अभी जो करंट है वो इधर आएगा फेज़ में, मतलब अपने सही जगह के ऊपर जो करंट है वो आएगा। मतलब अभी हमारा ये जो बोर्ड है इसकी वायरिंग सही हो चुकी है और हमारे फ्रिज के साथ यूज़ करने के लिए जो हमारा स्विच बोर्ड है ये बिल्कुल सेफ़ है। आइए जो फ्रिज है इसकी बॉडी भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रिज के ऊपर डिस्प्ले आ चुका है, फ्रिज इज़ ऑन। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए जो प्रॉब्लम है गाइस ये बिल्कुल लाइव सॉल्व हो चुका है आपके सामने। देखिए कोई भी मेटल बॉडी के ऊपर अभी करंट नहीं है एंड दिस फ्रिज इज़ नाउ सेफ टू यूज़ फॉर आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।